बात करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है खरगोन से। आज भी कर्फ्यू में ढील मिलेगी, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कर्फ्यू में छूट के दौरान नमकीन और मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी। किराना, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सैलून, खाद बीज की दुकानें खुलेंगी। वाहनों से आवागमन पर प्रतिबंध जरूर रहेगा। कंट्रोल दुकानों से केरोसिन नहीं मिलेगा। राशन दुकान से खाने पीने के सामान खरीद सकते हैं। कल जरूर छूट को कैंसिल कर दिया गया था, जो प्रतिदिन छूट मिल रही थी। अभी हालात जब धीरे धीरे सामान हो रहे थे तो छूट दी जाने लगी थी, लेकिन कल इसको स्थगित किया गया था और आज फिर जो है छूट दी जा रही है लोगों को ज़रूरी सामानों की खरीदारी के लिए। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय दिया गया है, तो कर्फ्यू में छूट के दौरान लोग अपना ज़रूरी सामान खरीद सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, आज भी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक के समय में लोग जरूरी सामानों की खरीदारी कर सकेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी पूनम, आपको बता दूं कि धीरे धीरे खरगोन के हालात सामान्य होते जा रहे हैं और कल के ढील हालांकि कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन आज फिर पुनः कलेक्टर अनुग्रह पी ने बैठक के बाद निर्णय लिया है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। साथ ही कुछ दुकानें भी बढ़ाई गई है। पहले जरूरी सामान की दुकानें खुली रहती थी, परंतु आज रिपेयरिंग और राशन दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे लोग अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस प्रकार से जरूरी कामों के लिए छूट दी जा रही है, अगर हम संवेदनशील इलाकों की बात करें तो वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं? खासतौर से आनंद नगर इलाके की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, वहाँ भी स्थिति एकदम सामान्य है, पूरा शहर एकदम सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है, परंतु संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। आरपीएफ की 3 कंपनियां भी तैनात की गई है, साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भी करीब 1000 से अधिक जवान तैनात किए गए और संवेदनशील जितने भी इलाके वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी प्रॉपर मतलब बराबर निगरानी रख रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं और मतलब सारी व्यवस्था बराबर चल रही है। जी शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं जो हैं ठीक से चल रही हैं, हालांकि कुछ संवेदनशील इलाके जो हैं वहां पर ज़रूर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना फिर से खरगोन में देखने को ना मिले। तो पुलिस सतर्कता बरत रही है और जो छूट भी लोगों को दी गई है तो वो भी काफ़ी सतर्कता के साथ जो है छूट दी गई है। वाहनों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, ज़रूरी सामानों के लिए दुकानें खुलेंगी 8 बजे से लेकर 12 बजे तक।